अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है? आज काफ़ी दिनों के बाद लाहौर हाई कोर्ट जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल मुकम्मल छुट्टियों पे था। तो आज एक अपील लग गई है लाहौर हाई कोर्ट में। वैसे तो हमारी छुट्टियाँ हो गई हैं 2 महीने के लिए, अब अदालतें जो हैं वो सितंबर में खुलेंगी, जुलाई और अगस्त की छुट्टियां हैं। तो आज एक अपील लगी हुई थी, तो वो फिर स्पेशल आया है जनाब हुक्म के आप आएँ और इस केस को आज ख़त्म करने। तो अभी भी मैं घर से निकला हूँ, मैंने कहा आपसे दुआ करूँ। और मुझे आज बड़ा अच्छा भी लग रहा है और अजीब भी लग रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही घर में अपने आप को मैंने जो है ना मुकम्मल वो बंद किया हुआ था। तो इसलिए आपको वीडियो में भी अक्सर जो है ना वो मैं वो ज़्यादा नज़र आ रही थी, क्योंकि घर में कोई अदालती काम तो था नहीं, तो वीडियो के ज़रिए आपसे मेरी मुलाकातें हो रही थी। तो ये सारे ये जो गलियां हैं, बाज़ार हैं, ये मुझे ऐसे नए नए लग रहे हैं इतने दिनों के बाद। आप दुआ करें खैर खैरियत से जो है ना सारा कुछ हो जाए और आपसे मुलाकात होगी। काफ़ी टॉपिक हैं जिनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है दफ्तर में जाके स्टूडियो में कोई वीडियो बनाऊं कानूनी या सियासी। तो आपको पता है सियासी जो है ना कल की वो बिलावल भुट्टो वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा है, और अब नून लीग की भी सोच रही है कि हम भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये बड़ा अच्छा मौका है उनको प्रेशर डालने का, और वो इमरान खान को उन्हें चाहिए कि वो कहें कि भाई इमरान खान साहब एतमाद का वोट लो। ये बहुत बड़ी बात है एतमाद के वोट का। माइनस वन की बातें तो खुद इमरान खान ने की हैं, कोई अपोजिशन ने नहीं की और कुछ ऐसी बात नहीं हुई, ठीक है? तो ये कुर्सी की बातें भी इमरान ने खुद की हैं कि कुर्सी कमज़ोर है या मजबूत है, या कोई जाने वाला है या नहीं आने वाला। तो ये सारी बातें आप देख रहे हैं, तो ये मेरी गाड़ी भी आप देख लें, ठीक है? तो अच्छे दिन आएंगे तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करने इसी गाड़ी पे आएंगे। अभी तो ये कोरोना के दिन है, कोरोना की रातें, ना पहली सी मस्ती ना पहली सी बातें, मुकद्दर में होगा गले भी मिलेंगे, अभी तो है फुरकत जुदाई की बातें। तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहता है। उस दिन एक वो लतीफ़ा लिखा हुआ था फेसबुक पे कि एक औरत ने अपने खावन को कहा कि हूँ जाओ आज काम पे जाओ, जाओ जॉब पे जाओ, तो उठ के वो ना झाड़ू टाकी करने लग गया। बीवी उसकी आई उसके पास, उसने कहा जी मैं तो कह रही हूँ काम पे जाओ, कहते मैं केड़ा काम करता सा, मैंने तो याद ही कोई नहीं। मैंने तो यही कि मैं यही काम करता सा, 2-3 महीने से घर में रह रहे के ना, तो सब ऐसे वो लतीफ़े बन रहे हैं। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला अब जैसे बता रहे हैं पूरी दुनिया में कोरोना जो है वो डाउन पोजीशन में आ गया है, तो उसकी वैक्सीन भी तैयार होने लगी है इंशाल्लाह जल्दी। तो अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। वो तिलकल अयाम नुदावेलुहा बैनन्नास, ये अच्छे बुरे दिन इंसानों के दरमियान फिरते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं ऐसे, अच्छे दिन आ गए बुरे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए बुरे दिन आ गए। तो इंशाल्लाह ताला अच्छे दिन आएंगे, हमें यकीन है अच्छे दिन आएंगे, यकीन है। तो ये लतीफ़े मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि ये ना हो कि जब मैं जज के सामने पेश हूँ तो जज साहब कहें कि हाँ जी मलिक साहब शुरू करो, तो मैं उनसे पूछूं कि सर जी आपने आमलेट खाना है या फ्राई खाना है। क्योंकि घर में अंडा आमलेट बनाने और फ्राई बनाने का तजर्बा हो चुका है। तो ये आपको जो है ना, ये हमें अब ज़्यादा मुसीबत के दिन गुजर चुके हैं, थोड़ा अपने मिजाज को तब्दील करने के लिए हमें खुश भी होना पड़ेगा। और ये फिर ज़िंदगी मौत जो है ना, ये अल्लाह ताला के हाथ में है,
दुख सुख अल्लाह ताला के हाथ में है। यकीन करें, कोई ये नहीं कि अकलों वाले जो है ना वो बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके पास हों और जिनके पास अकल नहीं है उनके पास कुछ ना हो। नहीं, बल्कि इसके उलट देखा है कि बेअकलों के पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, जैसे ये देखें और अकलां वाले रुलदे वेखे ते मूरख खान जलेब। काफ़ी रश है, मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी रश है, रौनक है और ये काफ़ी लोग निकले हुए हैं। देखें, ये इधर तो लग ही नहीं रहा कि लॉकडाउन है कोई लॉकडाउन। वैसे अमली तौर पे तो इमरान खान ने किया ही नहीं, जब से ये आया है कोरोना नहीं किया इमरान खान ने। ये देख रहे हैं आप, इतना रश है ये। ठीक है, तो अब चूंकि गाड़ी चला रहा हूँ ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बनाता, मेन रोड पे आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह ताला फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।